पर निकल कर आ रही उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि दलित युवक को पुलिस के द्वारा पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। वही पुलिस का कहना है कि उसे हिरासत में लिया गया था। मौत के कारणों की जानकारी की जा रही। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर पथराव किया। पथराव करते हुए लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, यानी कि दलित समुदाय के लोग और पुलिस एक बार की रात की करीब 10-11 बजे आपको बता दें कि आमने सामने हो गए थे। रात की करीब 10 बजे के आसपास की घटना है। उस समय लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि युवक की मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ देने और कार्रवाई करने की मांग को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था और इन्होंने आक्रोशित लोगों ने जमकर आपको बता दें कि यहां पर बवाल किया। मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बताने की कोशिश करें तो आकाश नाम के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 20 जून की रात को जेल में उसकी तबीयत खराब हो गई, किसको उसको अस्पताल में मौत हो गई। आकाश के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आकाश को जेल भेजने से पहले उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की और मारपीट करने की वजह से उसकी मौत हो गई है। इस मामले के अंदर पुलिस क्या कुछ कह रही है हम आपको देखिए। न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध बंदी आकाश की कल जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु को लेकर के उनके परिजनों में आक्रोश था। पोस्टमार्टम होने के बाद वो बॉडी ला करके यहाँ पे सुहाग नगर चौराहे पर जाम लगा दिया गया था। उसमें से कुछ अराजक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की गई और तोड़फोड़ भी की गई। उसके उपरांत उनके परिजनों से बात हुई। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन से उनकी डिमांड थी कि हमें कंपनसेशन दिया जाए, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन्हें कंपनसेशन दे दिया गया है। उसके बाद से वो लोग सारे लोग सहमत हो गए। फिर उनका शव उठ करके उनके घर गया। फिर उनके परिजनों द्वारा जो भी उनकी अपनी प्रक्रिया है उसके अनुसार आज प्रातः उनका दाह संस्कार किया गया है।